नमस्ते। आज मैं बनाने जा रहा हूँ क्रिस्पी कॉर्न चिली। बहुत टेस्टी लगती है, तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले मैंने लिया है एक बड़ा बाउल जिसमें हम मिक्स कर सकते हैं। फिर लिए है 2 बाउल कॉर्न। ये देखो आता, नीचे टाकतो है अब मैं डाल रहा हूँ मिर्ची मसाला। टर्मरिक पाउडर, नमक, और ये जो कॉर्न है मैंने बॉईल करके लिए है, और बॉईल करने वक्त मैंने उसमें नमक डाला है, तो हमें थोड़ा सा ही नमक डालना है। ये है मैदा जो मैंने 1 कप लिया है, हम डालेंगे इसमें। मैंने इधर मैदा लिया है, आप देख सकते हो, ये पूरा 1 चम्मच है, मैं डाल रहा हूँ पूरा का पूरा इसमें। ये है कॉर्नफ्लावर जो मैंने ये पूरे 2 चम्मच लिए है, मैं डाल रहा हूँ पूरा। तो हम अब मिक्स करेंगे और अच्छी तरह से करेंगे, एकदम ऐसे। देखो मैं दबा रहा हूँ इसको, एकदम स्मैशिंग टॉसिंग सब करेंगे हम। सब अच्छी तरह से मिक्स होना चाहिए। तब तक हम तेल गरम करने के लिए रखते हैं। हम थोड़ा पानी डालेंगे इसमें। एंड नाउ विल स्मैश इट नाइसली। वाह, ये अच्छी तरह से एकदम मिक्स हो गया है। देखो देखो ये मस्त हो गया है और तेल भी गर्म हो गया है, तो अब हम इसमें डालेंगे। अभी ये जो कॉर्न है वो गोल्डन ब्राउन हो गए, अब हम इनको निकाल लेंगे अच्छी तरह से एकदम। वाह, क्रिस्पी हो गए बहुत। वाह देखो ये कितना क्रिस्पी हो गया है। वाह, अभी हमने दूसरी कढ़ाई रखी है चिल्ली बनाने के लिए, उसमें हमने सिर्फ 2 टेबल स्पून तेल डाला है। तो चलिए चिल्ली बनाते हैं। सबसे पहले हम डालेंगे 3 टेबल स्पून लहसुन। उसके बाद हम डालेंगे ये है मिर्ची 3, हम डाल देंगे। फिर अच्छी तरह से ये गार्लिक और ग्रीन चिलीज हम अच्छी तरह से पहले मिक्स कर लेंगे। उसके बाद हम डालेंगे बारीक कटी हुई शिमला मिर्च जो बहुत ही मेन होती है चिल्ली में, मिक्स कर लेंगे। अब हम डालेंगे 1 टेबल स्पून रेड चिली सॉस। अब हम डालेंगे इसमें अब हम डालेंगे 1 चम्मच टोमेटो केचप। चलिए डाल देते हैं हम। वाव, अब हम इसे अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे। गैस हाई रखेंगे।
वाओ, स्मेल तो बहुत अच्छा आ रहा है। अब हम इसमें डालेंगे, ये है कॉर्नफ्लावर। कॉर्नफ्लावर की थिक स्लरी मैंने बनाई है, वो हम इसमें डालेंगे। चलो फिर डालते हैं। अब हम मिक्स कर लेते हैं वापस से। स्मेल तो बहुत अच्छा आ रहा है। अब हम डालेंगे इसमें फूड कलर, जो ऑप्शनल है, आपको डालना है तो डालो, हम डाल रहे अच्छे कलर के लिए। मधुराज किचन। अब हम डालेंगे लास्ट स्टेप, मतलब हमारा कॉर्न, और हमारे जो कॉर्न है वो पके हुए हैं, इसलिए हम गैस बंद कर देंगे। हमारी क्रिस्पी कॉर्न चिली रेडी है, इट्स रेडी टू ईट। वाओ, ये तो बहुत अच्छी दिख रही है। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो, और आप ये रेसिपी जरूर ट्राई करना, आपको पसंद आएगी। थैंक यू।